आज ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग इंस्टेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ना ये किड्स के लिए स्पेशली, और आप मतलब आपके घर में सभी फैमिली मेंबर्स को हेल्दी कुछ खिलाना चाहते हो, तो ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। वैसे तो ये है लाइव ढोकला की रेसिपी, लेकिन ना मतलब इसे हम एक इंस्टेंट मिक्स बना के रखेंगे। तो जब भी हमें लाइव ढोकला बनाना होगा ना, हम क्या करेंगे, इंस्टेंट मिक्स निकालेंगे जो भी हमने बना के रखा है, फिर उसमें डालेंगे दही और एक्स वाई जेड कुछ जो चीजें जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो सारी चीजें मिला के उसे रख देंगे और फिर फटाफट स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो फटाफट हमारा लाइव ढोकला बन जाएगा, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें जाएंगे सभी प्रकार की दाल, मतलब प्रोटीन रिच होगा ये, B12 भी होता है इसमें, बहुत ही हेल्दी होता है। आप ना ये वाली रेसिपी 1 साल से बड़े बच्चों को आराम से दे सकते हैं, स्पाइसीनेस का ध्यान रखे बस। अब गुजराती हूँ ना, तो गुजराती रेसिपी तो शेयर करना बनता ही है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे, बहुत ही टेस्टी और स्पंजी लाइव ढोकला होगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आपको करते जाना है, बस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट लाइव ढोकला मिक्सचर मैंने बना के रखा है, ये देख लीजिए, और ये 2 kg के ऊपर का डब्बा है, तो 1.5 किलो के ऊपर का ये मिक्सचर होगा। इसे कैसे बनाना है चलिए जान लेते हैं। 1 kg चावल में 200 ग्राम चना दाल और 150 ग्राम मूंग दाल, 100 ग्राम तुअर दाल और 100 ग्राम उड़द दाल सब मिक्स करके आपको पिसवा लेना है। आप मिक्सी में पीस लीजिए या फिर जो चक्की होती है जहाँ पर आप गेहूँ पिसवाते हैं वहाँ से आप पिसवा लीजिए। लो और क्या था, आपका मिक्सचर रेडी है, इसे आप स्टोर करके रख लीजिए। क्वांटिटी कितनी लेनी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। चलिए अब ढोकला बनाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ले लिया है, इतनी क्वांटिटी से 2-3 लोगों को सर्व हो जाएगा। इसमें डालना है हमें दही, दही मेक श्योर खट्टा हो, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए इसमें, दही 3-4 चम्मच लेना है, फिर पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लेना है। पानी अब अंदाजे से डालना है, एक अच्छा सा पेस्ट बन जाना चाहिए। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, और अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स लीजिए, लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ी सी लिक्विडी और फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस। अब कुछ नहीं करना, इसे हमें ढक के रख देना है। जैसे अगर आपने सुबह इसे मिक्सचर को बनाया है तो आप शाम को ढोकला बना सकते हो, और रात को किया है तो सुबह बना सकते हो। मिनिमम 4-5 घंटे ढक के रखना है, बीच में खोल खोल नहीं करना, घुमाना नहीं है। तो ये देख लीजिए बैटर अच्छे से फूल चुका है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। ये दही होता है ना, उसकी वजह से इजीली हो जाता है। और अगर आपका बैटर नहीं फूला है तो भी क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो बस अभी ये बैटर अच्छे से फूल चुका है, मैंने इसे सुबह भिगाया था, अभी शाम का टाइम है तो अच्छे से फूल चुका है 4-5 घंटे में। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक डायरेक्शन में ही, और अब रेडी करते हैं मसाला। तो मैंने थोड़े से लहसुन और 2 हरी मिर्च ले लिए, हरी मिर्च तीखी नहीं है इसलिए मैंने ये ली है, और तीखी होती तो मैं नहीं लेती क्योंकि त्विशा भी खाएगी। अभी लहसुन और मिर्ची का मिक्सचर अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, बहुत ही अच्छा कलर आता है, और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरे रुकिए रुकिए, और भी चीज़ें इसमें जाएंगी, सबसे पहले इतने को मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए कलर चेंज हो गया, हल्दी का कलर आ गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जितना हमें डालना है तेल, मतलब 1 छोटी चम्मच जितना ही तेल डालना है, उसे भी हम मिक्स मिला लेंगे। और फिर यहाँ गैस पे मैं चढ़ा दे रही हूँ इडली वाला बर्तन, आपके पास वो ना हो तो कोई भी बड़ा बर्तन चढ़ा दीजिए, उसमें पानी रख के गर्म होगा तब तक। और अब हमें इसमें डालना है बेकिंग सोडा, थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा डालूंगी क्योंकि अच्छे से बैटर फूल गया था, और अगर बैटर नहीं फूला है तो जितना हमने बेकिंग सोडा डाला उसका डबल आपको बेकिंग सोडा डालना है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए बबल्स आ रहे छोटे छोटे। अब जिस प्लेट में ढोकला बनाना है उसमें तेल लगा लेंगे अच्छे से, फिर पूरा बैटर ट्रांसफर कर देंगे। मैंने पूरे बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डालने के बाद अच्छे से टैप टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। और अब यहाँ पानी गर्म हो चुका है तो बड़ी सावधानी से प्लेट को सेट कर देंगे। तो छोटी प्लेट नीचे जा रही है, उसमें 3 ऐसे स्टैंड है, और अब ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप घर में सब बड़े हो तो ये डालिए, छोटे बच्चों के लिए हो तो मत डालिए। तो ईशा के लिए मैं जो बनाऊंगी उसमें मैं नहीं डालूंगी। अब मैं दूसरी प्लेट भी सेट कर ले रही हूँ, तो मैंने बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है, उसमें भी मैंने तेल लगा दिया था, और बस लास्ट में स्प्रिंकल कर देंगे रेड चिली पाउडर। अच्छा जितना खाएगी उतने में मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला है। अब बस कुछ नहीं करना है, ढकना है, फ्लेम को रखना है मीडियम और 20 मिनट तक पकने देना है। अब ना इस डब्बे को ना आप महीनों तक चला सकते हैं, 3-4 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होगा, मतलब इस मिक्सचर को। और अगर आपको ऐसा लगता है बिगड़ रहा है तो आप फ्रिज में रख दीजिए, तो ये काफी टाइम चलेगा, फटाफट आपका काम हो जाएगा, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए।
20 मिनट बाद लाइव ढोकला को चेक कर लेंगे और ये देख लीजिए मुझे पका हुआ लग रहा है। अब इसमें घोपेंगे चाकू और ये देखिए चाकू बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये पक चुका है। फ्लेम को करेंगे बंद और यहाँ मैं तड़का रेडी कर ले रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। और तड़का डालने से पहले ढोकले को कट कर ले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि तेल अच्छे से अंदर जाना चाहिए, अदरवाइज ये गले में चिपक सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे राय और कुछ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब बस इसे डाल देंगे हम ढोकले पे, कुछ इस तरीके से फैलाते हुए डालना है और एंड में चम्मच से स्प्रेड कर देंगे ताकि एक एक ढोकले के ऊपर तेल का कुछ पोर्शन चला जाए और वो गले में ना अटके। और बच्चे को भी जो दे उसमें तेल वाला ही आपको देना है, हल्का सा तेल वाला। तो ये देख लीजिए हमारे लाइव ढोकला बनके तैयार है, बिल्कुल पतले पतले सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये जैसे दिख रहे हैं ना उतने ही खाने में भी टेस्टी है। तो अभी सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने प्लेट में सारे निकाल दिए, आगे मसाले वाले रखे, पीछे जो बेबीज के लिए बनाए थे मतलब त्विशा के लिए बनाए थे वो पीछे रखे हैं मैंने। और अब ना त्विशा को खिलाने की बारी, तो वो आगे भाग रही है प्लेट लेके कि मम्मा मेरे को कब देंगी। आराम से, आराम से बेटा, कहीं नहीं जा रहा है, हे भगवान। खा ले, शांति से खा ले बेटा। पूरा क्यों मुंह में डाला, देखो इसको कितना पसंद है, पूरा मुंह में डाल दिया उसने। आधा खाना है, आधा आधा, हाँ आधा ही खाना है, ये हाथ मत लगाओ, बस 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 बस, हाँ उतना खाओ फिर मम्मा आधा देगी। कैसा है, कैसा है, कैसा है बिट्टू, कैसा है? हाँ लो लो लो, उसको ऐसा है, मम्मा ने आधा ले लिया। कैसा है, मस्त है, कैसा है? ओहो सो यार, ये थी लाइव ढोकला की रेसिपी, से बनाइए, एंजॉय कीजिए, खुद खाइए, छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में, बाय।